नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं अंबिका मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं देश की कुछ बड़ी खबर से। देश में कोरोना का संकट है, लेकिन केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की एजेंसियां लगातार इससे देश को बाहर निकालने के लिए काम कर रही हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी प्राथमिकता अत्याधुनिक हथियारों, रणनीतिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियों को विकसित करना है, वह भी देशवासियों को इस महामारी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन ने अपनी पूरी ताकत इन दिनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगा दी है। डीआरडीओ ने कोविड-19 के कारण विशिष्ट चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले मरीजों की मदद करने के लिए नकारात्मक दबाव वाले टेंट के साथ अस्पताल बनाया है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड और सामान्य बेड पर अस्पताल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के परामर्श से काम किया जाता है। डीआरडीओ द्वारा दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गांधीनगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश, जम्मू और श्रीनगर जैसे शहरों में 9 अस्पताल खोले गए हैं। इनमें सबसे बड़ा गांधीनगर में धन्वंतरी कोविड केयर अस्पताल है, जिसमें 700 ऑक्सीजन बेड और 200 आईसीयू बेड है। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड सेंटर में 500 आईसीयू बेड की सुविधा है। डीआरडीओ ने देश भर के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना का भी ऑर्डर दिया है। संगठन ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्र प्रति मिनट 1000 लीटर तक ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं, जो 190 रोगियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। ये प्लांट प्रतिदिन 195 सिलेंडर तक चार्ज कर सकते हैं।